हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघवसर.com में। आज हम कक्षा 10th विषय विज्ञान के अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण के महत्वपूर्ण ज्ञान आधारित प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, सामने आ गया, आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में कौन सी धातुएं हैं। आवर्त सारणी के पहले 10 तत्व, पहले 10 तत्व का मतलब है परमाणु क्रमांक 1 से लेकर परमाणु क्रमांक 10 तक के तत्व। चलो आवर्त सारणी देख लें, यह आवर्त सारणी आ गई हमारे सामने। उन्होंने कहा है शुरुआती 10 तत्व, शुरुआती 10 तत्व कौन कौन से हैं, ये शुरुआती 10 तत्व हैं, है ना, शुरुआती 10 तत्व परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 10 तक के। अब इसमें से हमें बताना है कि कितनी धातुएं हैं, धातुओं की संख्या बतानी है 1 से लेकर 10 तक। तो ध्यान दीजिए, मैं आपको इस आवर्त सारणी में एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं जिससे आप धातु, अधातु और उपधातु के बारे में पता कर सकते हैं। मैंने इस आवर्त सारणी में एक लाइन खींची, ये देखिए मैं लाइन खींच रहा हूं जो बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, थैलियम और एंटीमनी से होकर गुजर रही है। तो ये जो लाइन मैंने आवर्त सारणी में खींची है, ये लाइन जिन तत्वों के ऊपर से गुजर रही है वे तत्व उपधातु या अर्धधातु कहलाते हैं, क्योंकि उनके गुण धातु और अधातु दोनों से मिलते हैं। बोरोन, सिलिकॉन, गैलेनियम, आर्सेनिक, है ना, थैलियम, एंटीमनी, पोलोनियम, ये जो तत्व हैं ये उपधातु हैं। इसके पहले वाले सारे तत्व धातु हैं और इसके बाद वाले दाएं हाथ तरफ वाले सारे तत्व अधातु हैं। अब आप 1 से लेकर 10 तक पे गौर करो। 1 से लेकर 10, 1 हाइड्रोजन, ये गैसीय तत्व है, गैस है अर्थात अधातु है, तो हमें तो धातु ढूंढना है। 2 हीलियम, ये भी गैस है और ये लाइन के इधर आ रही है, ये भी अधातु है। लिथियम, बेरिलियम, ये बिल्कुल इस लाइन के पहले आ रहे हैं, तो लिथियम और बेरिलियम LiBe ये दोनों धातुएं होंगे। बोरोन, बोरोन धातु नहीं है, बोरोन लाइन पे आ रहा है बी, तो ये तो अर्ध धातु उप धातु हुआ। और बाद के कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन 10 तक के बाकी के तत्व ये लाइन के इधर आ रहे हैं, तो ये अधातु कहलाएंगे। तो इस प्रकार इस लाइन के पहले वाले धातु, बाद वाले अधातु और लाइन पर आने वाले उपधातु। तो क्या पता चल गया कि शुरुआती 10 तत्वों में से केवल 2 ही तत्व धातु होते हैं। तो इसमें से हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन ये अधात्विक तत्व हैं, क्योंकि ये गैसें हैं और लाइन के दाईं तरफ थे। जबकि बोरोन 5 एक उपधातु है जो धातु अधातु दोनों के समान गुण रखता है, क्योंकि ये लाइन पर ही आ रहा था। और बचे 2 तत्व 1 से 10 तक में, वो हैं लिथियम और बेरिलियम जो धात्विक तत्व हैं जो लाइन के बाईं तरफ आ रहे थे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिए तथा ऐसे अन्य शिक्षास्प्रद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।